अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ग़ुलाम नबी मद्दीन नाजी कराम पाकिस्तान पर जब से अमरीकी दलालों का कब्जा हुआ है जब से पाकिस्तान के अंदर अमरीका के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमरीकी ग़ुलामों को मुसलत किया गया है पाकिस्तान की तबाही पाकिस्तान की बर्बादी जारी है माफ़ कीजिएगा ये अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना किसी भी सूरत है, किसी भी पाकिस्तानी के लिए जेब नहीं देते हैं लेकिन क्या किया जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान पर अमरीकी दलाल अमरीकी एजेंट और अमरीकी गुलाम काबिज़ हैं यह पाकिस्तान का हशर नशर कर रहे हैं यह पाकिस्तान को उस तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जिससे वापसी के लिए पाकिस्तान को कई साल लग सकते हैं पाकिस्तान जो कि हंसता मुस्कुराता मुल्क था जो कि फलता फूलता मुल्क था जिसकी हर शोबे के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो पॉजिटिव थी वो मुस्बत थी छः फीसद तक पाकिस्तान की मुशी तरक्की रिकॉर्ड की गई थी और पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर एक ख़ास मकाम और एक ख़ास वैल्यू और पहचान बनवा चुका था और दुनिया के अंदर पाकिस्तान आलमी इशूज़ में आलमी मसाइल के अंदर अपनी हैसियत रखता था आज वो पाकिस्तान नहीं रहा है जो कि आज से चार महीने पहले था यही वजह है कि पिछले चार महीनों के अंदर पाकिस्तान के साढ़े नौ अरब डॉलर के करीब असासे खत्म कर दिए गए हैं उन्हें जाया कर दिया गया है उन्हें उड़ा दिया गया है उन्हें बर्बाद कर दिया गया है चार महीनों के अंदर पाकिस्तान पर दस हजार अरब रुपये से जायद का कर्ज़ा चढ़ चुका है दो तीन दिनों में जो डॉलर की रेट में कमी वाक़ हुई इसको देख कर कुछ लोगों ने शादियाने बजाना शुरू कर दिए और कुछ लोगों ने छलांगे लगानी शुरू कर दी लेकिन हकीकत ये है कि डॉलर के बीस रुपये नीचे आने से भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हुए हैं पाकिस्तान इस वक्त भी अमला डिफ़ॉल्ट की तलवार के नीचे लटक रहा है पाकिस्तान के ऊपर अब भी डिफॉल्ट की तलवार लटक रही है जो राज अब नौबत यह आ चुकी है कि पाकिस्तान पर अमरीकी जो गुलाम थे वो तो हुक्मरान हैं वो तो मुसलत हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है उनको कोई पूछता नहीं है और उनको कोई घास नहीं डालता है अब उनकी वजह से पाकिस्तान की फौज के जो सरबरा हैं जनरल कमर जैद बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनको अब मुख्तलिफ दोस्त मुल्कों से राबते करने पड़ रहे हैं हमने देखा और ये बाकायदा पाकिस्तान की आई एस पी आर की जानब से भी रिपोर्ट जारी हुई बयान जारी हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवैद बाजवा की अमरीका की जो नायब वजीर खारजे हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई और उन्हें कहा गया कि आई एम एफ पर अमरीका जोर डाले कि वो पाकिस्तान की जो कर्ज़ों की अदायगी है वो करे और आई एम एफ पाकिस्तान के साथ जो माह कर रहा है उस माहिदे को फाइनलाइज करके पाकिस्तान को कर्जे तकरीबन एक इशार सात अरब डॉलर की जो किस्त है वो जारी करे ये अभी चार पांच दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमल जैद बाजवा की अमरीका की नायब वजी खारजा से फोन पर बातचीत हुई है फिर नासिर यही नहीं आज अभी कुछ देर कबल खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमल जैद बाजवा ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब से और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क यू से और उनके हुकाम से फ़ोन पर रबता किए हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ़ ने जो यू है और सऊदी अरब है इनके हुकाम से फ़ोन पर बातचीत करते हुए मदद की दरख्वास की है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की ज़रूरत है आईएमएफ भी पाकिस्तान को कर्ज़े तब देगा जब सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों की मंजूरी देंगे क्योंकि आईएमएफ ने पहले ये कहा कि जब तक सऊदी अरब और यू पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों की मंजूरी नहीं देंगे तब तक आई भी कर्जा नहीं देगा क्योंकि आई को पाकिस्तान पर अतमाद नहीं है और सऊदी अरब और यू ने यह कहा था इंपोर्टेड हकूमत को कि जब आपको आई पैसे देगी तब आपको सऊदी अरब और यू भी पैसे दे देंगे यानी ये दोनों मुल्क आई के साथ अपने कर्जों को मुंसलिक कर रहे हैं मशरूत कर रहे हैं और आईएमएफ अपने कर्ज़ों को इन दोनों मुल्कों की रज़ामंदी और कर्ज़ों से मशरूत कर रही है तो इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान अमरीकी दलालों की वजह से इस क़दर परेशान हो चुका है पाकिस्तान इस क़दर मसाइल के अंदर घिर चुका है उलझ चुका है कि अब पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज के जो सरबरा हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के डिफ़ेंस को देखना सरहदों की हिफाजत को देखना और पाकिस्तान की फ़ौज को देखना और पाकिस्तान की हिफाजत करना है अब उनको वजारत ख़ज़ाना की मदद के लिए मौजूदा इम्पोर्ट हुकूमत की मदद के लिए दोस्त मुल्कों से राबतें करना पड़ रहे हैं ये नौबत आ चुकी है ये नौबत क्यों आई है ये नौबत आई है उस अमरीका के रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से जिसमें इमरान खान की हकूमत को गिराया गया इमरान खान का तख्ता उल्टा गया और इमरान खान को अवाम की ख्वाहिश के बरक्स निकाल दिया गया अवाम चाहती है इमरान खान वापस आए इमरान खान ख़ुद कहते हैं कि मैंने बताया था ज़िम्मेदारों को कि अगर हमें अमरीकी साजिश के ज़रिए से निकाला गया तो फिर पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर मुश्किल होंगी इमरान खान की वो कही हुई बात आज सौ फीसद दुरुस्त हो रही है हर हफ्ते पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो रिज़र्व हैं जो असासे हैं वो करोड़ों डॉलर कम हो रहे हैं हर हफ्ते पाकिस्तान के असासे कम हो रहे हैं और पाकिस्तान अमला चार हफ़्तों की दूरी पर है जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा चार हफ़्तों से ज़्यादा पाकिस्तान के पास पेट्रोल और दीगर चीज़ों के पैसे नहीं हैं और जो अमरीकी दलालों की हुकूमत है यह तो पाकिस्तान के मसाइल ही हल नहीं कर पा रही है यह तो मसाइलों में इजाफा कर रही है अब आपने देख लिया कि इस बहीरे बिजली के बिलों में जो जो हर पाकिस्तानी शहरी को हज़ारों रुपए टैक्स लगाए गए हैं हर पाकिस्तानी इस पर आवाज़ बुलंद कर रहा है और सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने कहा था कि आप इलेक्शन करवा दें फौरी तौर पर जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सुधार लें मसले हल हो जाएंगे लेकिन अना का मसला ज़िद का मसला और जिद पकड़ी हुई है कि हमने इमरान खान की बात नहीं माननी है हमने इमरान खान को नीचा करना है नीचा दिखाना है और इलेक्शन नहीं करवाना है जिसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान रोज बरोस मसाइल के अंदर उलझता जा रहा है और पाकिस्तान के मसाइल बढ़ने से पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर हो रहा है पाकिस्तान की मीशत तबाह हो रही है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुख्तफ तरह के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं नाजी कराम अब भी वक्त है ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है जिनके बारे में कहा गया कि ये बहुत तजर्बेक है ये इतने तजर्बेकार है कि ये आते ही पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर देगी और ये दावा किया गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मीशत को तबाह कर दिया है कोई इमरान ख़ान के पास तजर्बा नहीं है हालांकि ये वही इमरान खान था जिसके बारे में पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोट हकूमत की मातहत जो इदारा है मालियाती इदारा जो सर्वे जारी करते हैं उसने रिपोर्ट जारी की है कि इमरान ख़ान के पिछले दो सालों में छः फीसद तक माशी तरक्की रिकॉर्ड हुई है हर शोबा पॉजिटिव था नाजुन कराम आज हर चीज़ की जो कीमत है वो डबल हो चुकी है यानी आज से मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ आपको समझने में आसानी होगी जो सरिया होता है जो बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में वो सरिया इमरान ख़ान के दौर में यानी आज से तकरीबन चार महीने पहले वो सरिया तकरीबन एक लाख बीस हज़ार पर टन या एक लाख चालीस हज़ार पर टन था अब उसकी कीमत दो लाख तीस दो लाख चालीस हज़ार पर टन हो गई है और उसकी वजह से जो सनतें हैं वो बैठ गई हैं लोग घर नहीं बना पा रहे हैं लोग घर से घर की जो बनाने की चीज़ें थी वो नहीं ख़रीद रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं मुलासमिन फ़ार हो रहे हैं और इसके अलावा मीशत चलने की यानी मीशत कैसे चलती है जब तमाम इंडस्ट्रियाँ फाल होती हैं जब जो मीशत के मुस्बत इशारे होते हैं तो फिर हर चीज़ चलती है अब आपने गाड़ियों की कीमतें देख ली हैं कि हर गाड़ी में पंद्रह बीस पच्चीस लाख तक इजाफा हो गया तीस तीस लाख तक इजाफा हो गया है तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है इसका जिम्मेदार कौन है और अभी भी तजर्बे किए जा रहे हैं अफसोस की बात यह है कि चार महीनों में जो तबाही हुई उससे सीख कर हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाने की बजाय मजीद तजर्बे किए जा रहे हैं मजीद तबाही की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाया जा रहा है मसलन इमरान खान को हमेशा के लिए नााहल करवा दिया जाए इमरान खान की जमात को गलदम करार दिलवा दिया जाए इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ फैसले के ज़रिए से पाकिस्तान की आवाम का अलेक्शन कमीशन पर से एतमाद ख़त्म करवाया गया वोटिंग के निज़ाम से अतमाद ख़त्म करवाया जा रहा है और अब एक नई हरकत की है इन्होंने कि कौमी असम्बली से इमरान ख़ान की जमात और उनके जो एम एन एज थे उन्होंने मुश्तरक इस्तीफ़े दिए जो कासिम सूरी ने मंजूर किए अब ये लोग कुछ कुछ हलकों में इस्तीफ़े मंजूर करके वहाँ इलेक्शन करवा रहे हैं ताकि इमरान ख़ान को झूठा साबित किया जाए नीचे दिखाया जाए और नौ हलकों में अभी सितम्बर में इन्होंने एम के इलेक्शन करवाने की वो ए, डेट भी और तारीख भी जारी कर दी है और ये हरकतें अभी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से इमरान ख़ान को ब्लैक मेल कर रहे हैं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे तो सारा ज़ोर इमरान खान इमरान ख़ान इमरान खान के ऊपर लगा हुआ है आप देखिए रोज़ाना 20, 20, 30, 30 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो इंपोर्टेड हकूमत कर रही है उन्हें ये नज़र नहीं आता कि दुनिया हमें पैसे नहीं दे रही है ताजर अपना पैसा निकाल रहे हैं इन्वेस्टर्स मुल्क से चले गए हैं पाकिस्तान की आज क्या वैल्यू रह गई है पाकिस्तान जग हसाई का मरकज़ बन गया है ये वो सूरत हाल है जिस पर पाकिस्तान के मुख्तर लोगों को यानी ब्यूरोसी एस्टेब्लिशमेंट को, को पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की एजेंसीज़ को पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान के जो मौज़ज़ इदारे हैं उन सब को इस हवाले से गौर ग़र फिक्र करना होगा और इस मुल्क को बचाना होगा यह मुल्क है तो हम सब हैं ये मुल्क नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं आज जो कुछ मुल्क के साथ तबाही हो रही है मुल्क दिवालिया हो रहा है मुल्क के असासे बेचे जा रहे हैं और आपने अभी देख ही लिया कि पचास करोड़ रुपये की करप्शन करना कोई जुर्म नहीं है आज जो आ, 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 जो नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई है तो उसमें भी जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं उन्होंने आज बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने मौजूदा हकूमत को ललकारते हुए कहा है कि अपने घर को तबाह कर दिया गया है और घर की तबाही के बाद कहा जा रहा है कि जो नैब नैब की जो तरामीम है ये दुरुस्त हैं तो जो उनका रिमार्क्स है वो ये हैं कि हकूमत ने अपने गुनाह माफ़ करा नैब तरा, तरामीम के ज़रिए से अपने गुनाह माफ़ करा लिए हैं तो ये हकूमत तो आई ही एन लेने के लिए थी और इसके एन की वजह से पाकिस्तान की जंग हसाई और पाकिस्तान की तबाही हो रही है खुदा इस मुल्क पर रहम करें और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो आगे आएँ और मुल्क में इलेक्शन करवाएँ एक मंतखब हुकूमत को इस मुल्क को चलाने की इजाज़त दें ना ये कि इन चोरों के टब्बर से मुल्क को तबाह करवाएँ ये वीडियो आम कर दें मजीद लोगों तक मालूम पहुँचाएँ ताकि वो भी मूलूत हासिल कर सकें अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी और न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए असल वरम्हि वरक